तंग ने को नॉर्मल पाकुना बेच दे गाइस, मेरा शार्क का अपडेट अभी तक फीडिंग नहीं लिया है, बट कलर धीरे धीरे इसका आ रहा है, डार्क हो रहा है। पहले वाइट हो गया था, अभी डार्क हो रहा है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग इस तरह का सिचुएशन फेस किए कि नहीं, अचानक से कलर फेड हो जाना, फीडिंग बंद कर देना, एंड कुछ भी सॉल्यूशन हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। हेलो गाइस, सो सेटअप थोड़ा चेंज होगा बहुत जल्द। यहाँ पर पिराना का टैंक हटने वाला है, यहाँ पर भी चेंज होगा। तो एक छोटा सा अपडेट दिखा देता हूँ मैं। अभी अभी मैं फीडिंग दिया इनको, ठीक है, एंड यहाँ पर भी चेंजेस होगा। क्या क्या होगा मैं बहुत जल्द बताऊँगा, एंड थोड़ा डिले हो रहा है स्टॉक आने में, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। एंड टाइम नहीं मिल रहा है अभी, थोड़ा बिजी हूँ मैं अभी, ठीक है। एंड एरापैमा को भी उधर हटाना होगा, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो पिराना से मुझे तो बोर हो गया है, आप कुछ नया फिश लाओगा, क्या लाओगा वो भी दिखाओगा। एंड गाइस, आप लोग बताइए मुझे जाइंट गुरामी को शॉप में रखना चाहिए कि नहीं, ये भी बताइए, ठीक है। तो शॉर्ट अपडेट, एंड श्रिम्प किसी को भी चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, श्रिम्प अभी अवेलेबल है हम लोग के पास। तो हेलो गाइस, हम आज आप लोग को दिखाएंगे पियाना कैसे पैकिंग किया जाता है जब आप बाहर भेजते हो। छोटा में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी प्लास्टिक बैग में घुस जाता है, जब बड़े हो जाता है तब वो प्लास्टिक फाड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने देखिए इस तरह से एक कंटेनर लिया है, इसमें पूरा होल्स बनाया है चारों तरफ, फिर इसमें फिश को डाला है, ठीक है, फिर इसके बाद आपको पानी डाल के ऑक्सीजन करना होगा। तो भाई बच रहा, तो अभी आपको इसको डाल के दिखाएंगे। खुलो, सो ये था गाइस आज का वीडियो, एंड आप लोगों ने देखा प्रेडेटर टाइप का फिशेस को कैसे पैकिंग किया जाता है। वेल एक्चुअली ये बहुत ही पुराना वीडियो है, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे मिला तो सोचा क्यों ना बना लूँ। एंड इस तरह से छोटा मोटा इन्फॉर्मेटिव क्लिप बहुत सारा मेरा पता नहीं इधर उधर रखा है, मैं जब भी मिलूंगा मैं सबको एक साथ पंच करके अच्छा वीडियो बनाऊंगा। एंड किसी को भी अगर जानना है पिराना कैसे रखता है, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा। एंड किसी को भी अगर बाय करना है आप कहीं से भी लो, मार्केट प्राइस 500 समथिंग है एक छोटा साइज का, बड़े का कुछ और प्राइस है, एंड आपको जहां प्राइस अच्छा लगेगा वहां से ले सकते हैं। हर जगह का प्राइस सेम नहीं रहता, कोई डायरेक्ट इधर उधर से कलेक्ट करके बेच देता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, उनका प्राइस हमेशा कम रहेगा। जिनका शॉप है, चार बंदे को रखता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पानी का खर्चा, उनका हमेशा रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बट वो लोग थोड़ा जेन्युइन रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आजकल बहुत सारे, मतलब घर बैठे ही सब बड़े बड़े इंपोर्टर बन गए हैं, इधर उधर का वीडियो कलेक्ट करके फिश बेच देता है जीरो इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। तो बी केयरफुल, जो जेन्युइन है उनसे बाय कीजिए, सबसे पहले ऑर्डर देने से पहले वीडियो कॉलिंग कीजिए, आप सामान देखिए तभी बाय कीजिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन। एंड ये भी याद रखिएगा, पिराना बोल के कोई आपको नॉर्मल पाकुना बेच दे, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, रेड बेली पिराना एंड नॉर्मल जो पाकू रहता है साइड बाय साइड कंपैरिजन में, अच्छा वीडियो एक बनाऊंगा बहुत जल्द। एंड आप लोग कमेंट कीजिए आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए, कुछ भी हो, आपको नया स्टॉक देखना है मेरा शॉप में, ना फिश केयर वीडियो ना कुछ और, ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हैव अ नाइस डे, पीस।